हेलो दोस्तों, जागरण जोश डॉट कॉम के डेली करेंट अफेयर्स वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के दिन से क्या कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनते हैं, उससे कैसे सवाल बन सकते हैं, साथ ही उनके जवाबों और उनसे जुड़े फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, किस देश द्वारा पाकिस्तानी डॉक्टरों की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD और MS की मान्यता रद्द करके उन्हें देश छोड़कर जाने के लिए कहा गया है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में अभी उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान के जितने भी डॉक्टर हैं वहाँ पे, जो कि MD और MS के साथ वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इन दोनों ही डिग्री को उन्होंने जो है उनकी जो मान्यता को डीरेकग्नाइज कर दिया, यानी मान्यता को रद्द कर दिया, और बोला कि ये सारे डॉक्टर जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो जल्द से जल्द सऊदी अरब को छोड़कर वापस पाकिस्तान चले जाएं, और जो नहीं जाएंगे उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से देश से बाहर किया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ समझिए। सऊदी अरब का मानना है कि जो पाकिस्तान की जो डिग्री है MD और MS की, वो उतनी क्वालिटेटिव नहीं है कि उसे हम लोग मान्यता प्राप्त करें, यानी उन्हें वहाँ की पढ़ाई पर, वहाँ की डिग्री पे, वहाँ की समझ पे, वहाँ के सिस्टम पे, वहाँ के करिकुलम पे उन्हें पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, और जिसके बाद उन्होंने उसे डी लिस्ट या डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। ये बहुत ही बड़ा झटका आप कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जो है सऊदी अरब में बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टरों की भर्ती हुई थी, और अब उनके लिए ये बहुत ही गहरा एक झटका हो सकता है। अब सऊदी अरब के बाद क्या हुआ कि अब कतर और बहरीन है, वो भी अब ऐसा ही कुछ करने की सोच रहे हैं, यानी वो भी पाकिस्तानी डॉक्टरों को या उनके जो डिग्री हैं उन्हें हटाने की या उसको डीरेकग्नाइज करने की वो भी सोच रहे हैं। तो ये सारा जो है, ये सारी अभी एक डेवलपमेंट हुई है सऊदी अरब से, और आने वाले समय में कतर और बहरीन से भी हो सकती है। ये बहुत ही बड़ा झटका है। आप कहें, आप देखें तो वहाँ के पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ये एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया सऊदी अरब ने। और हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। ये समझिए, ये एक अपने आप में एक मजाक सा लगता है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम व्यापारिक संबंध जो हैं भारत के साथ खत्म करेंगे, जहां पर भारत की, अगर देखें तो इंडिया की जो ट्रेड डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के साथ, वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, यानी बिल्कुल ही कम है। और ऐसे समय में इसको अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर इसके बहुत सारे मजाक उड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि, जैसे ट्विटर यूज़र कह रहे हैं कि हाँ, हम लोग भी अपने ट्रेड रिलेशन को डोनाल्ड ट्रंप के साथ ख़त्म करते हैं। आई मीन, ये एक काइंड ऑफ ये है कि आप, यू आर नोबडी, और फिर आप इस बात को क्लेम करते हैं, इस बात के लिए आप बोस्ट करते हैं कि हम आपके साथ ये ख़त्म करते हैं। और ना सिर्फ व्यापारिक संबंध, बल्कि अभी हाल ही में, मतलब अभी जस्ट ही ये खबर आई है कि उन्होंने जो इंडियन जो मूवीज़ थी जो पाकिस्तान के सिनेमा थिएटर पे लगती थी, उसे भी बैन कर दिया है। और वो इस बात के लिए भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के हाई कमीशन, हालांकि अभी तक उनका कोई एम्बेसडर इंडिया में है नहीं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये जो बायलेटरल जो एक रिलेशन है, इसे भी डाउनग्रेड किया जाए और डाउनग्रेड कर देना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। हालांकि ये आप इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि भारत के लिए ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रही हैं, और इसके पीछे का बैकग्राउंड आप सबको मैंने काफ़ी समय से मैं बता ही जा रहा हूँ लगातार एक दो वीडियो से, पीछे का बैकग्राउंड है कि जम्मू एंड कश्मीर को जिस तरह से उसे बाइफर्केट किया गया, UT का स्टेटस दिया गया, रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, तो ये सबसे बहुत ही बौखला गया है पाकिस्तान। वहाँ के जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पे एक दूसरे के साथ गाली गलौज तक हो गई है पाकिस्तान के मिनिस्टर और MP के बीच में। तो बहुत ही ये एक ह्यूमरस सा माहौल हो गया है जिस तरह से पाकिस्तान बिहेव कर रहा है। हम सबको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और इस पे जानने से पहले आइए आपको एक बात मैं बता दूं, आप हमारे वेबसाइट jagranjosh.com पे जा सकते हैं। अगर आप जाके सर्च करेंगे jagranjosh.com, तो आपको जब आप उसका होम पेज खुलेगा तो आपको ये होम पेज ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक करेंट अफेयर्स एक सेक्शन है। अगर आपने
इस पे जैसे ही जाएंगे तो इसका एक लैंडिंग पेज है जहाँ पे जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स होंगे वो आपको सारे यहाँ पे दिखेंगे। और भी आप देखना चाहें तो ये यहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ये सब सारी चीज़ों को लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। उसके साथ ही आपको यहाँ मंथ वाइज भी, जुलाई, जून, मई, मंथ वाइज भी आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं। तो आप देखें jagranjosh.com पे जाके और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा? और सही जवाब है ऑप्शन ए, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन वर्धमान हम सब जानते हैं अभिनंदन को, और कैसे जानते हैं कि वो जो जब बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें उन्होंने MiG-20 से F-16 जेट को उड़ा दिया था, इसको मार दिया था, और फिर ये पाकिस्तान में पकड़े भी गए थे। और जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस करेज के साथ ये वहाँ पे अपने आप को इन्होंने बिहेव किया था, पूरे भारत में, पूरे विश्व में उस बात की प्रशंसा हुई। और यही करेज, इसी साहस को देख के, इसी क्षमता को देख कर अब इन्हें इस वर्ष वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। और इनके साथ ही जो वो और एक थे जो बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल मिला, 2000 पायलट जो भी थे, उन पायलटों को भी वायुसेना पदक से सम्मानित किया जा सकता है, ऐसा अभी तक एक रिपोर्ट से पता चल रहा है। अगला सवाल, हाल ही में पारित हुए मोटर वाहन संशोधन विधेयक मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 के अनुसार मोटर वाहनों से संबंधित दंड शुल्क में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि की जाएगी? और सही जवाब है ऑप्शन ए, 10%। यानी प्रतिवर्ष जो है 10% की दंड शुल्क, जो आपको जो पेनल्टी चार्ज लगेगी वो लगातार बढ़ती रहेगी। और इसके साथ ही इसमें नाबालिगों के वाहन चलाने, बिना लाइसेंस के नशे में वाहन चलाने, गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने, सीमा से अधिक माल ले जाने के संबंध में कठोर प्रावधान किए गए हैं। और नाबालिगों के रूप में तो प्रमुख रूप से इसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए गए हैं कि ना बाहर वाहन चलाने में, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने में, साथ ही ऐसे पेरेंट्स को भी दंडित करने का प्रावधान इसमें किया गया है। और इसे और भी कठोर होना चाहिए, क्योंकि नाबालिगों के हाथ में, जो टीनेजर के हाथ में अगर आप अपने बाइक की, अपनी कार की अगर आप की देते हैं कि आप उसे ड्राइव करें, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट की बनती है। और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस बच्चे से ज़्यादा जो है जिम्मेदारी उसके माता पिता पे होना चाहिए, और उन्हें कड़ा से कड़ा जो है इसमें दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल, भारत में जन्मी और अब इंग्लैंड में बस चुकी किस युवती को मिस इंग्लैंड 2019 के खिताब से नवाजा गया है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, भाषा मुखर्जी। ये 23 वर्षीय हैं, मिस इंग्लैंड 2019 की खिताब से नवाजा गया, डर्बी की रहने वाली हैं, और मेडिकल की दो अलग अलग डिग्रियां हैं, इनका आईक्यू लेवल 146 है। और इसके साथ ही ये जो भाषा मुखर्जी हैं वो दिसंबर में आयोजित होने वाले मिस वर्ल्ड स्पर्धा में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। और अब अगला सवाल, कोडाईकनल हिल गार्लिक को हाल ही में GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, यह किस राज्य का उत्पाद है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ये जो तमिलनाडु में ये कोडाईकनल है, जहाँ पर ये एक कोडाईकनल हिल गार्लिक वहाँ उपजाया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलवम सैटवम है। ये नाम आपको ध्यान पर रखना है, एलवम सैटवम। यह विशेष लहसुन जो गार्लिक है अपने औषधीय और संरक्षण गुणों के लिए जाना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल क्षमता है, जो अन्य लहसुन किस्मों की तुलना में अधिक मात्रा में ऑर्गेनोसल्फर यौगिकों, फेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है। यह कोडाईकनल पहाड़ियों, डिंडीगल जिले में उगाया जाता है। इसका आमतौर पर जो इसका रंग होता है वो सफ़ेद या हल्का पीला होता है, और इसका वजन औसतन 20 से 30 ग्राम का होता है। मेनली इसे जो GI टैग दिया है वो इसके मेडिसिनल यूज़ के लिए दिया गया है, जो कि इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में वो क्षमता देखी गई है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल वाली इसमें कैपेसिटी है, और इसके कारण कोडाईकनल हिल गार्लिक को GI टैग दिया गया है। अगला सवाल, बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म मेकर और ऋतिक रोशन के नाना का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? और सही जवाब है ऑप्शन ए, जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश ये ऋतिक रोशन के नाना है, और उससे भी बड़ी बात है कि ये बहुत ही बड़े फिल्म मेकर हैं। इनकी बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत नाम कमाया, बहुत ही क्लासिक कल्ट मूवीज़ हैं, जिनमें आपकी कसम, आखिर क्यों,
अपना बना लो, अपनापन, आशा, अर्पण, आदमी खिलौना है, आई मिलन की बेला जैसी फिल्में शामिल हैं। अगला सवाल, संसद द्वारा पारित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 के अनुसार भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करने पर सेलिब्रिटीज पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जाएगा? और सही जवाब है ऑप्शन डी, 50 लाख। ये जो अधिकतम जुर्माना है, ये एक्चुअली जब पहली बार अगर ऐसा कुछ कोई सेलिब्रिटी करता है तो उसके ऊपर पहले 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, लेकिन दोबारा ऐसा करने पे 50 लाख तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है 2019 का, जिसमें ये सारे उसमें प्रावधान दिए गए हैं। और इसके अलावा ये भी है कि अगर सेलिब्रिटी ने दोबारा गलती की तो ना सिर्फ 50 लाख रुपये बल्कि उसे 3 साल तक कोई भी एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन करने पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, यहीं खत्म होता है आज का पहला सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा है उसके बारे में बताएंगे और आपके लिए नया सवाल भी होगा। मैंने आपसे पूछा है, हाल ही में पारित एक विधेयक के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान में 31 मुख्य न्यायाधीश सहित यानी 30+1 से बढ़ाकर कितना किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन बी, 34। ये क्या है, 33+1, यानी पहले से 3 ज़्यादा जो है न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाए जाने का जो है विधेयक अभी पारित हुआ है। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? आप अपने जवाब को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।